आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया, यानी बांटा गया। श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन इस व्यापार में है, रामदास और श्यामदास। तो लिखेंगे रामदास और श्यामदास। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रामदास इतना रुपया और श्यामदास इतना रुपया लगाकर शामिल होता है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, जीरो जितना कॉमन होगा उसको हम लोग काट लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 4 0 यहाँ 4 0 यहाँ, तो हम लोग कहेंगे अब कि रामदास और श्यामदास का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 9 और 3, 9 3। समय क्या दे रहा है, बोल रहा कुछ महीने बाद श्यामदास इतना रुपया लगाकर साझेदार हुआ। किसके कुछ महीने बाद, जब रामदास व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, तो इसके कुछ महीने बाद श्यामदास आता है, यानी कि इसका जो समय होगा रामदास का उसके समय से ये कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बोल रहा है कुछ महीने बाद, यानी कि अभी न तो इसका समय पता चल रहा है और न ही इसका। आगे बढ़ते हैं, बोला वर्ष के अंत में कुल लाभ का अनुपात इतना है। वर्ष के अंत का मतलब एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष ऐसा नहीं लिख रहा है, यानी कि बिजनेस जो चला वो वर्ष के अंत का मतलब हुआ कि एक साल तक चला। बिजनेस कौन स्टार्ट किया था, रामदास। रामदास के बारे में कहीं भी समय का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि रामदास शुरू में बिजनेस स्टार्ट किया, यानी इसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और अंत तक बिजनेस में लगा रहा। तो वर्ष का मतलब एक वर्ष यानी 12 महीना तक बिजनेस में ये लगा रहा। अब महीना क्यों बोले, क्योंकि यहाँ तो वर्ष बोल रहा है, महीना इसलिए क्योंकि श्यामदास कुछ महीने बाद आता है, यहाँ महीने का जिक्र किया गया है, तो सभी समय को हम लोग महीनों में ही लेंगे। ये कितने समय तक व्यापार में लगा रहा नहीं मालूम। अब निकाल देंगे हम लोग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट दे क्या रहा है, 4:1 के अनुपात में, यानी प्रॉफिट का ये खुद ही अनुपातिक मान दे रहा है 4:1। और प्रॉफिट बराबर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 जो है अनुपातिक मान वो किसका है, 9:12 का। क्यों, क्योंकि 9 यानी इन्वेस्टमेंट, 12 यानी टाइम। तो कह सकते हैं कि 4 का मान कितना है, 9:12, 9:12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9 × 3 = 27। 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान 27 हो गया, यानी कि ये 1 कितना हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा, 1 क्या है, अनुपातिक मान, यानी 1:27, तो यहाँ तो 1 है ही, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 27। और ये किसका लाभ था, ये था श्यामदास का लाभ। और लाभ बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी 3x, 3 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का लाभ। ये लेकिन ये बोल रहा है कि लाभ तो आपका इतना आया है, ये इसके अनुसार निकालने पर, तो लिख देंगे 3x = 27, काट देंगे 3 × 3 = 27। कितने समय तक व्यापार में रहा, x का मान कितना आ गया, 9, यानी कि श्यामदास 9 महीने तक व्यापार में रहा, 9 महीने तक व्यापार में रहा, लेकिन पूछ क्या रहा है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो 9 महीने तक तो रहा, तो कितने महीने बाद ये आया, तो जब रामदास व्यापार शुरू किया तो टोटल व्यापार चला 12 महीना, तो 12 महीना में ये 9 महीना तक बिजनेस में शामिल रहा, तो 9 को घटा देंगे 3, यानी कि 3 महीने बाद क्या हुआ,
रामदास के 3 महीने बाद क्या हुआ, श्यामदास शामिल हुआ। तो श्यामदास व्यापार में कब शामिल हुआ, 3 महीने के बाद। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के बाद। हम लोग का अगला प्रश्न है, पी और क्यू ने एक व्यवसाय यानी बिजनेस 5-13 के अनुपात में निवेश किया। पी क्यू ने एक व्यवसाय में 5-13 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी क्या की, निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ इस अनुपात में साझा किया यानी बांटा हो, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया, यानी पी ने अपना पूंजी कितने समय तक बिजनेस में लगा करके रखा। तो कौन कौन है, पी और क्यू, पूंजी निवेश का अनुपात कितना है, इन्वेस्टमेंट 5-13 लिख देंगे, 5:13। समय कितना दे रहा है इसका, बोल रहा है क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। 6 महीने बाद निकाल ली यानी 6 महीने तक ये पूंजी लगाता है। पी का कोई अता पता नहीं है, तो पी का नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन बोल रहा है क्या कि अनुपात कितना है, अनुपात बोल रहा है लाभ का अनुपातिक मान 25:26। लाभ का अनुपातिक मान 25 अनुपात क्या है, 26 है। अब यहाँ पी का समय इसलिए पता नहीं चला क्योंकि लाभ का बंटवारा जो हो रहा है कितने समय के लिए हो रहा है नहीं दे रहा। यहाँ क्या बोला, उन्होंने अपना लाभ कितना के अनुपात में साझा किया, ये नहीं लिख रहा है कि वर्ष के अंत में इस अनुपात में बांट लिया। सिर्फ बोल रहा है कि लाभ को इस अनुपात में बांट लिया, यानी पूंजी कितने समय तक लगा रहा ये क्लियर नहीं है। यानी लाभ का बंटवारा कितने समय बाद हुआ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें क्लियर है कि क्यों 6 महीने तक पूंजी अपना लगाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद ये हट जाता है, यानी कि 6 महीने तक पूंजी अपना लगाता है। अब एक्यूरेट हर इसमें जो दिया हुआ है सब में किसका मान दिया हुआ है, यानी देखेंगे कि पी या क्यू दोनों में से किसमें सभी का मान दिया गया है। तो पी में समय का मान नहीं है, क्यू में क्या दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का दे रहा है, समय भी दे रहा है, प्रॉफिट भी दे रहा है। और प्रॉफिट बराबर हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो लिख सकते हैं कि 26 का मान कितना, क्योंकि 26 क्या है, प्रॉफिट का अनुपातिक मान। 26 का मान कितना होना चाहिए, 13 × 6 इन्वेस्टमेंट, 6 क्या है समय, काट देंगे, 13 × 26 = 6। यहाँ एक हो गया, एक का मान कितना आ गया, 3, एक का मान 3, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, 25 का मान हो जाएगा 3 से गुना करेंगे, 75। अब हम लोग क्या कहेंगे कि लाभ हम लोग का आ चुका है, ये लाभ क्या है, एक्यूरेट लाभ आ गया, एग्जैक्ट लाभ। जब तक एक्यूरेट लाभ नहीं पता चलेगा यानी पूरा का पूरा रुपया में, तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते। तो ये एक्यूरेट लाभ है, न कि अनुपातिक मान, यानी पी को इतना रुपया लाभ मिलेगा जबकि पी का इन्वेस्टमेंट का अनुपात ये है, टाइम का ये है। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो पी 75, एक्यूरेट मान है अनुपात में नहीं है, इन्वेस्टमेंट यानी 5 इनटू टाइम, नहीं मालूम है एक्स, काट देंगे, 5 × 15 = 75, एक्स का मान कितना आया, 15, यानी कि पी ने कितने समय तक अपना पूंजी लगाकर रखा, पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया, 15 महीने तक। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 15 महीना। हम लोग का अगला प्रश्न है, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1,00,000 रुपया निवेश किया। कुछ महीने के बाद, फिर वही फंसा रहा, कुछ महीने यानी कितने महीने बाद नहीं मालूम, सोहन 40,000 रुपया लगाकर उसका साझेदार बन गया यानी पार्टनर बन गया। वर्ष के अंत में, अब यहाँ दे रहा है वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस 1 साल तक ही बिजनेस में दोनों शामिल रहा, भले दोनों का समय अलग हो लेकिन 1 साल तक दोनों का पैसा लगा रहता है। वर्ष के अंत में दोनों ने कुल लाभ को इस अनुपात में बांट लिया,
बोला सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी शुरू की थी। लिखेंगे मोहन और कौन है सोहन। सबसे पहले देखेंगे कि जीरो जितना कॉमन है काट देंगे, तो यहाँ कितना जीरो, चार जीरो, तो यहाँ से भी चार जीरो काट देंगे। किसमें से, ये क्या है निवेशित पूंजी और ये भी है निवेशित पूंजी, तो क्या हो जाएगा अब इन्वेस्टमेंट का अनुपात, ये 10 और ये हो जाएगा 4। टाइम, टाइम कितना है, कुछ महीने बाद सोहन आता है, यानी सोहन कितने महीने तक पूंजी लगाता है कुछ अता पता नहीं है, कुछ महीने तक आता है तो रहा कितने महीने तक नहीं मालूम। लेकिन मोहन कितने महीने तक रहा, बिजनेस स्टार्ट कौन किया था, मोहन। लाभ का बंटवारा कब हो रहा है, वर्ष के अंत में यानी एक साल के बाद, इसका मतलब कि मोहन शुरू में आया और अंत तक लगा रहा, अपना पूंजी लगा करके रहता है, यानी 12 महीने तक मोहन का पूंजी लगा रहता है। मोहन का पूंजी कितने महीने तक लगा रहता है, 12 महीने तक, लेकिन सोहन का कितना महीना लगा नहीं पता है, निकाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट का अनुपातिक मान कितना दे रहा है, 3:1, यानी लाभ का अनुपातिक मान दे रहा है 3:1। अब हम लोग देखेंगे कि किसमें सब का मान हम लोग के पास है, तो मोहन वाले में सब का मान है, इन्वेस्टमेंट है, ये क्या इन्वेस्टमेंट, पूंजी का इन्वेस्टमेंट, समय, और ये क्या है लाभ का अनुपातिक मान, यानी कि इसमें हम लोग के पास सब है, यानी इसी से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 का मान, ये 3 का अनुपातिक मान है, हम लोग 1 का मान निकालेंगे तो हम लोग का x का मान आएगा। 1 का मान कैसे आएगा, लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, लाभ कितना हम लोग का अनुपात में 3 है, 3, यानी 3 का मान कितना, इन्वेस्टमेंट 10 इनटू टाइम 12 महीना, काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 10 में 4 से गुना किए 40, यानी 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान 40, यानी ये लाभ एक्यूरेट लाभ कितना हो जाएगा, ये अनुपात में लाभ 1 और 1 का मान 40 आया, यानी एक्यूरेट लाभ कितना हो गया 40, किसका, सोहन का, तो सोहन का लाभ इतना हो गया। अब इसी को हम लोग सेट कर देंगे, तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट यानी 4 इंटू टाइम यानी एक्स, कर दिए एक्स, 4 से काट देंगे, 4 दहिए 40, एक्स का मान कितना आ गया 10, ये 10 क्या आया, 10 आया इसका समय, यानी सोहन का पूंजी 10 महीने तक लगा रहा। पूछ क्या रहा है, सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया, तो 10 महीने तक इसका पूंजी लगा रहता है, लेकिन बिजनेस चला कब तक, 1 साल तक, वर्ष तक, 12 महीने तक बिजनेस चला, तो 12 महीना में 10 महीना इसका पूंजी लगा रहा, यानी कि कितने महीने बाद आया होगा, तो 12 महीना में से 10 महीना घटा देंगे 2 महीना, यानी कि मोहन के आने के 2 महीने बाद, ये क्या करता है, 2 महीने बाद आता है कौन, सोहन, तो कितने महीने बाद आता है, 2 महीने बात, हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महीना। हम लोग का अगला प्रश्न है, राजा ने 4400 रुपए की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने बाद, फिर बोल रहा है कुछ महीने बाद, जहां भी बोला कुछ महीने बाद उसको टोटल समय में से लास्ट में हम लोग हटाएंगे। कुछ महीने बाद रंगा 2400 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में जुड़ गया, यानी पूंजी कहाँ का हम लोग का है, पूंजी, ये लगाया गया पूंजी और ये भी लगाया गया पूंजी है। कुछ महीने बाद 1200 रुपए के कुल वार्षिक लाभ में से राजा का हिस्सा इतना है, ये क्या है, ये लाभ है, पूंजी नहीं है, क्या है, लाभ है, और ये भी क्या है, ये भी लाभ है, टोटल लाभ इतना, राजा का लाभ इतना। बोला रंगा एक साझेदार के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ, शामिल कब हुआ निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे राजा है और रंगा है, तो राजा और रंगा के बीच में पूंजी का इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, कॉमन जीरो को काट देंगे, तो 00 00, लेकिन किसमें से काटेंगे, इन्वेस्टमेंट वाले में से, तो ये इन्वेस्टमेंट यानी जो जितना पूंजी लगाता लगाया गया पूंजी, जबकि ये 1200 क्या है, 1200 लाभ है, इसमें से हम लोग 00 नहीं काटेंगे।
ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का राजा का और ये हो गया 24 रंगा का। टाइम क्या दे रहा है? तो टाइम बोल रहा कुछ महीने बाद रंगा आता है, यानी रंगा का तो कुछ कहना ही नहीं है कितना समय है। लाभ का बंटवारा कब होता है? 1200 रुपए के कुल वार्षिक लाभ, वार्षिक लाभ यानी एक साल में लाभ का बंटवारा होता है। तो इसका समय तो पता नहीं है और राजा का समय का कहीं कुछ बात कर नहीं रहा है। और शुरू में राजा ही बिजनेस में आया था, यानी कि राजा पूरे एक साल तक अपना पूंजी लगा करके रखता है। तो एक साल मतलब 12 महीना। महीना क्यों? क्योंकि यहाँ महीना का जिक्र किया, इसलिए साल को महीना में हम लोग बदल देंगे। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट टाइम। प्रॉफिट क्या? प्रॉफिट कितना? तो राजा को बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना मिलता है? लाभ मिलता है 800 रुपया, एक्यूरेट लाभ इसको 800 रुपया मिल जाता है। तो राजा को 800 मिला, टोटल लाभ 1200 है, तो 1200 में 800 रुपया राजा का, तो बाकी जो बचेगा किसका? रंगा का। तो 1200 में से 800 घटा देंगे, आएगा 400, और ये 400 किसका हो जाएगा? रंगा का। अब क्या करेंगे हम लोग? अगर इसको चाहें तो और काट करके छोटा कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 6 4 24, ठीक। और ये हम लोग का क्या है? एक्यूरेट लाभ है। एक्यूरेट लाभ यानी इसको अनुपात में बदलने का जरूरत है ही नहीं, जबकि हम लोग जानते हैं क्या लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो लाभ कितना है? 800 लाभ है हम लोग का, 800 इन्वेस्टमेंट कितना? 11 लिख देंगे, 11 इनटू कितना? समय 12 लिख दिए, 12 यानी कि इससे एक का मान निकाल लेना है। इससे क्या करेंगे हम लोग? एक का मान निकाल लेंगे, या फिर ऐसा ना करके यहाँ भी हम लोग इसको अनुपात में ही बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, ताकि एक का मान निकालना आसान हो जाए, क्योंकि एक का मान सबसे पहले हम लोग को निकालना है। तो ये हो गया हम लोग का अनुपातिक मान, यानी कि ये हो गया 2, और 2 का मान कितना? 11 इंटू 12 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 11 6 66, एक का मान कितना हो गया? एक का मान हो गया 66, और यहाँ एक है, यानी कह सकते हैं कि एक का मान कितना? 66। तो लाभ हम लोग का 66 हो गया, जबकि इसके अनुसार लाभ कितना आएगा? लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी 6x, 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 66। काट देंगे 6 से 11 बार में, x का मान कितना आया? 11। यानी कि रंगा कितने समय तक व्यापार में शामिल था? 11 महीने तक, 11 महीने तक व्यापार में शामिल था। तो आया कब? व्यापार पूरा चला 12 महीना, शामिल रहा ये 11 महीना, यानी कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? 1 महीने बाद। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कहाँ दे रहा है, वर्ष समाप्त होने के 2 माह पहले। तो ये तो समाप्त होने के पहले नहीं आया था, कब आया था? जब राजा बिजनेस शुरू किया तो उसके कुछ महीने बाद। कुछ महीना का मतलब कितना आया? 1, यानी उसके 1 महीने के बाद ही आता है। तो यहाँ दे रहा राजा द्वारा व्यवसाय शुरू होने के 2 माह बाद, नहीं, दे रहा राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 माह बाद। यही हम लोग का आंसर होगा, क्या? राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 महीने बाद, क्योंकि अंत तक तो साथ में रहा। अंत तक जैसे यहां से स्टार्ट किया राजा, तो 1 महीना बीत जाने के बाद रंगा भी इसके साथ आ गया, तो अंत तक दोनों साथ में रहा। शुरू से गड़बड़ है, तो शुरू में 1 महीना बाद ही आता है। तो यही हो गया, राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 महीने के बाद आता है, कौन? रंगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ। कितना हुआ नुकसान? 60% का नुकसान हो गया। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की,
यानी जितना हानि हुआ था वो दो चरण में कंप्लीट अपना वसूल लिया। पहला चरण में 1 लाख और दूसरा चरण में 80,000 अपना वसूल लेता है। तो बोला प्रारंभिक पूंजी कितना था, तो प्रारंभिक पूंजी 100% रहा होगा, नुकसान 60% का, यानी कि प्रारंभिक पूंजी, पूरे पूंजी को क्या बोलते हैं हम लोग, जितना पूंजी लगाया होगा उस पूंजी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं 100%। तो सबसे पहले देखेंगे कि नुकसान कितना हुआ था, 1 लाख वसूली ये किया और 80,000 ये, यानी कह सकते हैं कि 1,80,000 का इसको क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, और परसेंटेज में कितना हुआ था, 60% का। तो परसेंटेज में 60% का और रुपया में इतना का, तो कह सकते हैं 60% का मान 1,80,000। बोल रहा है प्रारंभिक पूंजी कितना, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया अपना पूरा पूंजी जो होता है प्रारंभिक पूंजी परसेंटेज में 100% होता है, यानी 100% का मान हम लोग को निकालना है। तो निकाल लेंगे 10 × 6 = 7, 6 बार में और 6 × 3 = 18, कितना 0 = 4 0, 1 2 3 4। 100% निकालना यानी कि 100 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, उसी तरह से इसको हम लोग को 10 को गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ 10 से गुना किए तो यहाँ भी करना ही पड़ेगा, और यहाँ इसलिए किए क्योंकि 10% को 100% बनाना है। तो ये हो गया 100%, तब ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 0, यहाँ 1 0 यहाँ 3 लाख, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया। प्रारंभिक पूंजी कितना निवेश किया था, 3 लाख रुपया। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख रुपया।